नमस्कार, आरपीएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूँ संध्या। आइए नजर डालते हैं आज के राशिफल और पंचांग पर। जानते हैं आज का राशिफल व पंचांग। मैं हूँ संध्या आपके साथ। सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। वार शनिवार 8 जून 2024, विक्रम संवत 2081 क्रोधी, शक संवत 1946 पिंगल। सूर्योदय प्रातः 5:23 पर होगा, सूर्यास्त शाम 7:18 पर होगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीया दिन के 3:55 तक, तत्पश्चात तृतीया नक्षत्र आद्रा शाम 7:42 तक, तत्पश्चात पुनर्वसु। योग गण शाम 6:27 तक, तत्पश्चात प्रति अमावस्या शाम से 6:07 तक। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:53 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे वो नर्विघ्न संपन्न होगा। सूर्य मेष राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्र मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। बात करें शुभ समय की तो राहुकाल दिन के 8:52 से तो शाम के 10:36 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें, नहीं तो आपके कार्यों में दिक्कतें और कठिनाइयां आ सकती है। हो सकता है आपका कार्य सफल ना हो, इसलिए इस समय को टालें, शुभ समय का इंतजार करें। दिशाशूल पूर्व ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से। मोबाइल नंबर 9453555111 पर रात्रि 10 से 12 तक निःशुल्क। आइए जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करें। किसी कार्य में जल्दबाजी, लापरवाही, असावधानी बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका कार्य बिगड़ सकते हैं। जानते हैं वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज धन संभाल कर रखें चोर उचक्कों से। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आज आपका धन खर्च होगा। समय की स्थिति सामान्य कही जा सकती है। जानते हैं मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको दौड़ भाग अधिक मात्रा में करनी पड़ सकती है और धन खर्च भी करना पड़ सकता है। अपने भेदों को गुप्त रखें। जानते ही कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता बनाए रखें। लंबी यात्रा से परहेज करें। धार्मिक कार्यों में रुचि रखें। महिला वर्ग के लिए दिन अनुकूल है। जानते हैं सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज लंबी यात्रा से परहेज करें। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में रुचि रखें। आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। शिवजी की पूजा आराधना में मन लगाएं। जानते हैं कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपका दिन उत्तम कहा जा सकता है। काफी समय से रुके हुए कार्य प्रारंभ हो सकेंगे। बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होना शुरू हो सकता है। शिवजी की पूजा आराधना में रुचि रखें। जानते हैं तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सावधानी बनाए रखें। पड़ोसियों से सतर्क रहने की जरूरत बनाए रखें। कुछ पड़ोसी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज का दिन आपके लिए कठिन हो सकता है। किसी समस्या को हल्के में मत समझना। पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत बनाए रखें और अपने क्रोध पर काबू रखें, जिससे कि किसी बड़ी समस्या से आप बच सकते हैं। धनुराशि, आज आपका धन चोरी जा सकता है या व्यर्थ में नष्ट हो सकता है या अपव्यय हो सकता है। अपना धन संभाल कर रखने की जरूरत बनाए रखें। व्यापारी वर्गों को लाभ मिलेगा। जानते हैं मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज अपने बच्चों को अपनी नजर के सामने रखने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों की वजह से आज आपको परेशान होना पड़ सकता है। आपके ऊपर यदि उधारी पड़ी हो तो उसे चुकाने का प्रयास करें, नहीं तो इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। जानते कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो दिन उत्तम नहीं कहा जा सकता, इसलिए आज कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करें, आपके लिए उत्तम नहीं होगा। अपने भेदों को गुप्त रखें। दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। जानते हैं अंतिम राशि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपके छोटे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान देने की जरूरत बनाए रखें। पत्नी से विवाद की स्थिति बन सकती है या ससुराल पक्ष के लोगों से विवाद हो सकता है, तो सावधानी बनाए रखें। ज्योतिष परामर्श के लिए रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से संपर्क करें 9453555111। इस पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 से 11 तक। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।